हेलो हर्षदा, मैंने तुमको म्यूट अनम्यूट किया था। सेटिंग सही है तो कर दो। हस्ता आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। और सैयद? हाँ सर। हाँ ठीक है। ठीक है, और देन वी विल स्टार्ट द शेयरिंग। इतना ज्यादा चीज करना पड़ता है यार, ये शेयरिंग आ जाएगा। ओके, स्टार्ट स्टार्ट। फाइन, ब्रॉडकास्ट शुरू हो गया। इंक स्पेस, अरे यार लाइव। फाइन, नाउ यू गेट ऑन। फाइन, ठीक है। तो अपने को कहाँ तक पहुंच गए हम लोग? काफी दूर तक पहुंच गए हम लोग, ग्राफ तक बन गया ना, है ना? फाइन, तो ये कुछ बेसिक रेंजेस में चाहिए थी। तो अभी कुछ और चीज अपन पढ़ने का ट्राई करेंगे कि हाउ डज मोनोटोनोसिटी कैरी ओवर एलजेब्रिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चार टाइप से है जो मैं दे रहा हूं। देखो ध्यान से, याद नहीं करना है, बस समझने की बात है ये। ठीक है, तो अगर ये तुम्हारा, आई डोंट नो मैंने चार क्यों बनाया है, पता नहीं। अगर ये एफ है, जी है, ठीक है, और क्वेश्चन इतना ही है मेरा। अगर एफ प्लस जी है, अगर ये दोनों इंक्रीजिंग हैं, तो तुम कुछ बोल सकते हो एफ प्लस जी के बारे में? बोलो हर्षदा। इंक्रीजिंग ये इंक्रीजिंग ही होगा ना? होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव क्यों बना? ये अगर इंक्रीजिंग है और ये भी इंक्रीजिंग है, तो फिर तो जी के बाद एफ हाँ कुछ नहीं ना। नो कमेंट। एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, तो क्या मालूम? अगर दोनों घट रहे हैं तो ये घटेगा ना, इस पे घटेगा। नो कमेंट है ना। यहाँ तो हमेशा ही नो कमेंट है एफ बाई जी पे। तो मुझे एफ इंटू जी बताना, एफ इंटू जी बताना। अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो एफ इंटू जी हमेशा बढ़ेगा कि गड़बड़ हो सकती है? बड़े नहीं नहीं, यू कैन नॉट, हाउ कैन यू बी नहीं सो श्योर? देखो ना, एफ को ले लो ना, एफ का वैल्यू मान लो 2 और 5। लेट्स से एफ ऑफ 1 पे, 1 की बात करते हैं, तो एफ ऑफ 1 को 4 ले लो, एफ ऑफ 3 को 7 ले लो, ठीक है, और जी ऑफ 1 को, जी भी बढ़ रहा है ना, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं कि जी को अपन -2 ले लेते हैं और जी ऑफ 3 को -2 और -3 ले लेते हैं। देखो क्या हो गया, एफ इंटू एफ जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा बताओ? एफ जी ऑफ 1 कितना हो जाएगा? -8। -8 हो जाएगा। और एफ जी ऑफ 3 कितना हो जाएगा? -21 है ना। -21। तो फंक्शन तो घट गया है ना, फंक्शन तो घट गया है ना, समझे? 1 और 3 पे फंक्शन, यहाँ -8 है और यहाँ -20 में फंक्शन घट गया ना यार, समझे? कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना, यहाँ भी नो कमेंट, यहाँ भी नो कमेंट। ठीक है, अभी ये अगर ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है, तो बताओ एफ प्लस जी पे कमेंट कर सकते हो क्या? नहीं नहीं ना। अरे एफ एक बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है। एक फंक्शन बढ़ रहा है और एक फंक्शन घट रहा है, तुमको क्या मालूम दोनों को जोड़ने पे क्या हो रहा है? ठीक है, यहां बताओ, यहां पे तो नो कमेंट है, यहां पर भी नो कमेंट है,
यहाँ पर नो कमेंट नो कमेंट, मुझे यहाँ बताओ इस ब्लॉक में कौन सैयद है ना मेरे साथ, और सैयद बताओ क्या होगा यहाँ पे? सर बढ़ेगा। बढ़ेगा क्यों बताओ? सर क्योंकि जी तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई। हाँ अगर जी डिक्रीज होता है दैट इंप्लाइज माइनस जी इंक्रीज होगा, अगर जी इंक्रीज होता है दैट इंप्लाइज माइनस जी डिक्रीज होगा। यहाँ क्या आ गया, बढ़ेगा ना, अगर ये घटेगा और ये बढ़ेगा तो यहाँ तो नो कमेंट है, यहाँ बताओ घटेगा। घट ठीक है, ये बात समझ में आती है। सो क्या मालूम चला कि अगर इफ एफ एंड जी आर बोथ एम आई और एम डी दैट इंप्लाइज एफ प्लस जी इज एम आई और एम डी। ये काफी काम का होता है, ये ना काफी काम का होता है। देखो y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस एक्स, रेंज निकालनी है x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू 7/10 से 3/2। इतना भी क्यों करना है, 1 डाल देते हैं 1। ठीक है बोलो रेंज कैसे निकाले, बिल्डअप तो नहीं कर पाओगे हर्षदा? बिल्डअप कर पाओगे हर्षदा? नहीं, ग्राफ ग्राफ देखना पड़ेगा है ना। अब देखो साइनस का ग्राफ देखो, ऑब्जर्व करो साइनस का ग्राफ, 1 तो यहाँ पे होता है ना एक्स एक्सिस पे 1, और ये कितना होता है पाई बाई 2 होता है ना, तो ये आपका 1.5 हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ में ग्राफ कैसा है, बढ़ता हुआ है ना, और एक्स का ग्राफ तो पहले से ही मालूम है कि 1 से 1.5 में एक्स का ग्राफ कैसा है, बढ़ता हुआ है ना, तो ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है ना, एज अ होल जो वाई है वो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, सही है क्लियर है? तो रेंज क्या हो जाएगी बताओ, रेंज इज वाई एट 1 से वाई एट 3/2, समझे? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, साइन 1 प्लस 1 से साइन 3/2 प्लस 3/2। अरे तुम समझे क्या कि तुम्हारे जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम में वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना तुम जिसमें डिफरेंशिएट कर पाओगे ना बिल्डअप कर पाओगे, तो फिर तुमको अलग अलग देखना पड़ता है। ये बात समझ में आती है? ठीक है एक और क्वेश्चन करता हूं मैं, ध्यान देना। वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, जगह जगह थोड़ा सा कम है तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, और एक क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। दोनों ही केस में x बिलोंग्स टू 1 से 5, x बिलोंग्स टू 1 से 5। मुझे इतना बताओ हर्षदा किस वाले में मुझे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किस वाले में डिफ्रेंशिएट नहीं करना पड़ेगा? पहले वाले में करना पड़ेगा क्यों? मतलब वो पॉजिटिव आएगा हमेशा। नहीं नहीं देखो ना x स्क्वायर प्लस 1 वो नहीं, आप डिफरेंशिएट कर लिए, मत डिफरेंशिएट कर क्यों रहे हो, वही तो बोल रहा हूँ मैं, x क्यूब कैसा है ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना। हाँ x कैसा है ऑलवेज इंक्रीजिंग है ना, इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा ना, तो रेंज क्या हो जाएगी, y ऑफ 1 से y ऑफ 5 ना। हम यूज SMI, देखो हमने यूज किया है मोनोटोनोसिटी, मोनोटोनोसिटी इज यूज्ड बट विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स। ठीक है, और यहां पर एक्स क्यूब कैसा है, बढ़ रहा है, और ये कैसा है, बढ़ रहा है, लेकिन दोनों का माइनस है ना, कुछ कमेंट नहीं कर सकते है ना, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट ये समझना पड़ेगा, डिफरेंशिएट कब करना है कब नहीं करना है। ठीक है, तो 3x² - 1 आ गया ना सैयद, अभी इसका साइन स्कीम क्या आएगा बताओ, -1/√3 से 1/√3 है ना, तो प्लस
माइनस और प्लस, ठीक है। हम लोग को रेंज कहाँ से कहाँ निकालनी है, वन से फाइव में बात कर रहा है ना क्वेश्चन, तो आई थिंक हमारे लिए वैसे भी जरूरत नहीं पड़ रही है, बट हमको निकालना पड़ता क्योंकि वन बाई रूट थ्री से आगे में तो फंक्शन हमेशा बोल दिया ना उसने इंक्रीज कर रहा है। हम लोग को रेंज कहाँ निकालनी है, वन से फाइव में रेंज निकालनी है ना, उसने बोल दिया ना कि वन एफ ऑफ वन बाई रूट थ्री कितना है निकाल लो, जरूरत नहीं निकालने की। तुमको मालूम है ना कि वन बाई रूट थ्री से, ध्यान देना हर्षदा, वन बाय रूट थ्री से इन्फिनिटी में फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है ना, आ गया ना प्लस साइन से, प्लस से आ गया, दैट इम्प्लाइज वन से फाइव में फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा ना, इंक्रीजिंग, सीधा रेंज आ गया। क्या रेंज आ जाएगी बताओ, वाई एट वन से वाई एफ फाइव है ना। तो दोनों ही केस में भले तुमको देखने में सेम लग रहा है एक्सप्रेशन, बट दोनों में लॉजिकल डिफरेंस है ना, वहां पर डिफ्रेंशिएट किए, वन बाय रूट थ्री वन से बाहर गया है इसलिए हम लोग बच गए। अगर वन बाय रूट थ्री की जगह मान लो थ्री आया होता तो चेंज होता ना, वन से थ्री में इंक्रीज करता, समझ में आ रहा है। हाँ, तो हाँ। एक और क्वेश्चन सेम देता हूं ताकि तुम्हारा थ्री बने, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो थ्री बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां पे नाइन देना पड़ेगा ना, हाँ नाइन देना पड़ेगा, रूट थ्री बन जाएगा, तो रूट थ्री बन जाएगा, मुझे रूट थ्री नहीं चाहिए ना, 27 देता हूं मैं, 27x, ठीक है। और सेम क्वेश्चन बताओ अभी हर्षदा, क्या होगा इसमें, y डैश निकालना पड़ेगा, कितना आया 3x स्क्वायर माइनस 27, हाँ तो क्या है देखो प्लस माइनस प्लस है ना, तो क्या मालूम चला इसमें कि हमको तो 1 से 5 में चाहिए था है ना, तो 1 पे तो क्या हो रहा है देखो, माइनस 3 से थ्री में फंक्शन घट रहा है, माइनस थ्री में से थ्री में फंक्शन घट रहा है ना, और फिर थ्री से आगे में बढ़ रहा है, ये बात समझ में आती है। तो माइनस थ्री पे वैल्यू कितनी है, वाई एट माइनस थ्री कितना है बताओ, माइनस 27 प्लस 27 इंटू थ्री 54 आ रहा है, तो यहां से घटते घटते वन पे कितनी वैल्यू आई है, वन पे आई है माइनस 26, वन पे आई है माइनस 26, फिर वो थ्री तक घट रहा है, थ्री पे वैल्यू कितनी है देखो, 27 माइनस 81 तो माइनस 54, थ्री तक घट रहा है, तो थ्री पे वैल्यू कितनी है, 3, -54, आई थिंक बहुत ज्यादा गंदा हो, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ रहा है, हेलो इसके बाद बढ़ रहा है, तो 5 निकालना पड़ेगा ना, y85 कितना है बताओ, 125 माइनस 27 इंटू 5 135 विच इज माइनस 8, तो y85 इज माइनस 8, तो यहां तक घटाया हमने और उसके बाद माइनस 8 तक बढ़ा रहे हैं, ये बात चमकी। हमारे रेंज के लिए कौन सा काम, हमारे रेंज के लिए हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहां से लेके हमारा रेंज जो है यहां तक जा रहा है ना, हमारा आंसर कितना हो जाएगा बताओ इस केस में, रेंज माइनस 54 माइनस 8 और ऊपर गया है ना, माइनस 8 तो और ऊपर है, 5 को यहां बनाना पड़ेगा, माइनस 54 से माइनस 8 इज माय आंसर। इतना क्लियर है क्या सभी को, हाँ सर ठीक है, तो इसको मैं एग्जिट कर देता हूँ, अभी इसको भी ऐड कर देता हूँ, मैं भी जून पे वापस आ जाता हूँ और स्टॉप ब्रॉडकास्ट कर देता हूँ, ठीक है फाइन। अब मुझे बताओ कि किसी को डाउट्स हैं तो बोलो, चैट स्क्रीन में खोला है मैंने, बोलो किसी को डाउट्स है तो बताइए, पूछ सॉल्व करते, बोलो कोई डाउट्स है तो बोलो, सबको क्लियर है क्या ये जो पढ़ाया मैंने अभी तक, हेलो सभी को जितना भी पढ़ाया है क्लियर है ना, कि डाउट है तो पूछ सकते हो, बोलो जो भी पढ़ाया है ना, जो तुम्हारे पास लेक्चर तो रिकॉर्ड तुमको मिल ही जा रहे हैं सर, लास्ट वाले में क्या दिक्कत आ गई रश्मित बताओ, y लिखा था मैंने x³ - 27x, ठीक है, x की वैल्यू थी तुम्हारी 1 से 5, मैंने y डैश निकाला, y डैश आया रश्मित 3x² - 9,
मुझे मालूम चला माइनस थ्री और थ्री, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस। अभी बात तो ग्राफ से करनी पड़ेगी, जो ही मोटरोसिटी आती है। हमने माइनस थ्री पे वैल्यू निकाला, माइनस थ्री पे आया 54। हमने वैल्यू निकाला थ्री वन पे, वन पे आया था माइनस 26। हमने वैल्यू निकाली थ्री पे, थ्री पे वैल्यू आई माइनस 54। ठीक है, तो जो ग्राफ है माइनस थ्री से थ्री में घट के गया है ना, तो हमने माइनस थ्री से थ्री में घटा दिया ग्राफ को, घटा दिया घटा दिया घटा दिया। अभी वो थ्री के बाद बढ़ रहा है, हम बढ़ा दिए, तो फाइव पे वैल्यू कितनी आई है हमारी, वाई एट फाइव निकाला हमने, फाइव कॉमा माइनस एट आया ना, और वन पे कितना आया, वन कॉमा माइनस 27 आया है, और ये वैल्यू थ्री कॉमा माइनस 54 आई है। आपका रेंज क्या होता है, आपके डोमेन पर डिपेंड करता है ना, आपका कितना इनपुट जा रहा है। तो मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम तुम्हारे पास वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, मिनिमम वैल्यू इज व्हाट माइनस 54, मैक्सिमम वैल्यू इज व्हाट माइनस 8। तुमको सीखना पड़ेगा व्हेन टू डिफरेंशिएट व्हेन नॉट टू डिफरेंशिएट। इतना क्लियर है क्या सभी को, और कुछ पूछना है? ठीक है, चलो फिर, ओके।